हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है गाइस सभी का हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग की बिल्कुल नई वीडियो में। गाइस पीछे थोड़ा सा शोर होगा क्योंकि इधर काम चल रहा है, तो उसके लिए एडजस्ट कर लेना। और गाइस आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में कंफर्म न्यूज़ आपको देने वाला है यार, बनी इसके इवेंट्स की। तो आज यार बिल्कुल आग लगाने वाली है ये वीडियो क्योंकि आज की वीडियो में लोग बताएंगे बनी इस इवेंट की कन्फर्म डेट क्या होने वाली है और उसका पीक डे का कन्फर्म डेट क्या होने वाला है, डायमंड रॉयल कौन सा होगा कन्फर्म बताएंगे आपको, और गाइस साथ में आपको बताएंगे फेडेड व्हील इवेंट के बारे में, हमारा नया देखने को मिलने वाला है। इसमें 9 डायमंड से स्टार्ट होता है फेडेड व्हील और इसके आगे बढ़ते बढ़ते आपको लेजेंडरी रिवॉर्ड जो है वो मिल जाता है। इसके साथ गाइस आपको बताएंगे हैकर स्टोर के बारे में, हैकर स्टोर हमारा कब तक हमें देखने को मिल सकता है और हैकर स्टोर में कौन कौन से नए बंडल देखने को मिल सकते हैं। नया मनी इसका एक डायनो बंडल भी दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे यार कि यह बंडल हमारा कब तक हमें देखने को मिल सकता है। साथ में गाइस जय कैरेक्टर का भी एक बिल्कुल नया पूरा बंडल का सेट निकला है तो वो भी आपको बताने वाला है, और मिस्ट्री शॉप गाइस उसका कंफर्म कौन सा बंडल हमें देखने को मिलने वाला है ये भी आपको बताएंगे कंफर्म गाइस। मिस्ट्री शॉप हमारी कब आ रही है ये भी। तो इस वीडियो को गाइस अगर आपने पूरा नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो यार, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इसके साथ गाइस यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक वगैरह नहीं किया तो कर देना। लाइक टारगेट गाइस हमारा रहेगा 30,000 लाइक्स का, जल्दी से जाओ और इस वीडियो को लाइक मार दो, और इतना आलस नहीं करना कि लाइक मार के छोड़ दिया। अगर आप चैनल पे नए हो और लाइक मार दिया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना यार, अगल बगल बटन आपको मिल जाएंगे, सब्सक्राइब करके गाइस कर देना बेल आइकन प्रेस ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे हर वीडियो का सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं मनी इंस्टीमेंट के डेट के बारे में, कभी इवेंट स्टार्ट होगा और कब हमें इसका पीक डे देखने को मिलने वाला है। मनी इंस्टीमेंट की गाइस ऑफिशियल डेट फ्री फायर ने पहले ही निकाल दी थी, वो होने वाली है 6 सितंबर। 6 सितंबर को गाइस हमारा ये मनी इसका इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसके जितने भी आइटम है वो सब देखने को मिलने लगेंगे 6 सितंबर के बाद ही। गाइस हमारा डायमंड रॉयल वगैरह और जितने भी आइटम है यार मनी हिस्ट के वो सब आपको नजर आ जाएंगे, भले वो टॉपअप इवेंट हो भले वो फ्री के आइटम हो। तो 6 सितंबर को इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो इसका पीक डे होगा गाइस उसकी ऑफिशियल डेट तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ आप यार लगभग मान सकते हो 99% मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीक डे होने वाला है यानी कि मेन दिन होने वाला है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा इसमें रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो होने वाला है 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर। ये दोनों डेट गाइज आप मान के चलो कि आने वाले नए फ्री फायर के इवेंट्स के हिसाब से ये दोनों डेट हमें देखने को मिल जाएंगी, मतलब कि मनी हिस्ट इवेंट स्टार्ट हो जाएगा 6 सितंबर को और हमारा जो पीक डे होगा यानी सबसे बड़ा वाला दिन होगा मनी हिस्ट का वो होगा 19 सितंबर। अब गाइस आपको बता दूं मिस्ट्री शॉप हमारी कब देखने को मिलने वाली है और उसमें कौन से बंडल आपको नजर आने वाले हैं। मिस्ट्री शॉप यार ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है और क्योंकि मनी हिस्ट ग्लोबल इवेंट है, हर सर्वर में आएगा और सेम टू सेम आएगा, तो मिस्ट्री शॉप यार हर सर्वर में इस बार आने वाली है। इसीलिए फ्री फायर ने गैप लिया, क्योंकि अगर फ्री फायर वाले पिछली बार किसी एक सर्वर में भी मिस्ट्री शॉप दे देते तो यार दिक्कत हो जाती, तो फ्री फायर ने पिछली बार किसी सर्वर में मिस्ट्री शॉप नहीं दी, किसी सर्वर में, सिंगल सर्वर में। तो इस बार हमें मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगी और हर सर्वर में यार लगभग हर सर्वर में ये मिस्ट्री शॉप हमें देखने को मिलने वाली है इंडिया के साथ। तो ये मिस्ट्री शॉप में आपको ये दोनों बंडल गाइस देखने को मिलने वाले हैं, मेल और फीमेल के, और ये क्रिमिनल बंडल से बिल्कुल अलग है, ऐसे क्रिमिनल बंडल मत मान लेना, जो हमारा रेड वाला बंडल का आपने लीक देखा होगा ये उससे अलग है। आप ध्यान से देखोगे तो इसके यार ऐप्स वगैरह नजर आ रहे होंगे इसके अंदर आपको, तो ये बिल्कुल अलग बंडल है और ये आने वाले मिस्ट्री शॉप आपको देखने को मिलने वाली है। बैनर वगैरह इसका पहले ही रिलीज हो गया था तो ये लगभग यार कंफर्म था ही, लेकिन फ्री फायर वाले एंड तक कंफर्म नहीं होने देते, बट यार अब कंफर्म हो चुका है ये ग्लोबल इवेंट है मिस्ट्री शॉप का और मिस्ट्री शॉप गाइस हर सर्वर में हमें देखने को मिल जाएगी मनी हिस्ट के इन दोनों बंडल्स के साथ। इसके साथ गाइस लक रॉयल की बात करें, लक रॉयल में हमारा डायमंड रॉयल जो है वो चेंज होने वाला है और साथ में फेडेड व्हील इवेंट आपको नजर आने वाला है, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यार अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए और मस्त वीडियो को देख के जा रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो गाइस जाकर और कर देना बेल आइकन प्रेस ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे हर वीडियो को सबसे पहले आ जाए, आपको भी फायदा हो, हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से यार हमारे 1 मिलियन का ड्रीम पूरा करो। और आपके लिए ऐसी वीडियोस गाइस लाते रहेंगे, साथ में गिवअवेज वगैरह भी लाते रहेंगे, गिवअवे की डिटेल्स मैं आपको आगे की वीडियोस में दे दूंगा। लाइक अगर अभी तक नहीं मारा है तो प्लीज गाइस जाके पहले लाइक मार देना इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, और लाइक टारगेट हमारा कंप्लीट कर देना, हो भी गया तो भी क्या जाता है यार, लाइक मार देना गाइस। चलो गाइस जल्दी से बता देते हैं आपको डायमंड रॉयल के बारे में, डायमंड रॉयल की कंफर्म डेट क्या होने वाली है। डायमंड रॉयल गाइस हमारा 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर को देखने को मिल जाएगा और डायमंड रॉयल में हमें ये फीमेल का बंडल गाइस देखने को मिलने वाला है। मनी हिस्ट की थीम का ये भी बंडल है और मनी हिस्ट का ये बंडल हमें सिंगल गाइस, बिल्कुल सिंगल फीमेल के साथ, कोई भी मेल का बंडल हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये फीमेल का बंडल अकेला डायमंड रॉयल में हमें देखने को मिल जाएगा मनी हिस्ट की थीम पे बेस्ड। इसके साथ गाइस इसका जो मेल बंडल है यानी दोनों बंडल यार डुओ में ही आए थे, लेकिन जो फीमेल बंडल है सिर्फ
वही आ रहा है डायमंड रॉयल में। इसका जो मेल बंडल है गाइज वो हमें देखने को मिलेगा नए फेडेड व्हील इवेंट में। बाहर के सर्वर्स के हिसाब से ये बिल्कुल गारंटीड है कि ये बेस्ट ऑफ एट इवेंट में आएगा, और बेस्ट ऑफ एट इवेंट वहाँ पे फेडेड व्हील इवेंट होता है। तो फेडेड व्हील इवेंट जो हमारा लक रॉयल में आता है जिसमें आपको 9 डायमंड से स्टार्ट करना होता है, वही सेम इवेंट गाइज हमें देखने को मिलेगा इस मेल के बंडल के लिए। और ये मेल का बंडल आपको देखने को मिल जाएगा, इस शिनोबी का बंडल आपको आने वाले नए फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही बंडल मेल और फीमेल के आपको आने वाले नए लक रॉयल में देखने को मिल जाएंगे गाइज। जय कैरेक्टर का बंडल भी गाइज आपको दिखा देते हैं। जय कैरेक्टर का जो मेन बंडल होने वाला है इस कैरेक्टर का, वो ये होने वाला है। जय कैरेक्टर का स्क्वाड का मेंबर होगा तो उसके हिसाब से इसके जो ड्रेस है वो कुछ ऐसी दी गई है। अभी आज जय कैरेक्टर की डिटेल्स जो है वो फ्री फायर ने अभी लीक नहीं की है, लेकिन हाँ मैं बता दूं आपको जल्दी ये रिवील हो जाएगा 1 मिलियन शेयर कंप्लीट होने के बाद। और मुझे लगता है 1 मिलियन शेयर हो भी गए होंगे, लेकिन फ्री फायर वाले धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे ताकि 10 मिलियन हो जाए, तब जाके ये 1 मिलियन दिखा के आपको दे दे। तो बिल्कुल फ्रॉड होता है यार, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल गाइस आपने अगर शेयर नहीं किया है तो कर देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर कंप्लीट हो चुका है। और फ्री फायर वाले इसको जब भी यार करते हैं, मतलब कि बिल्कुल टाइम सेट होता है इनका कि इतनी डेट पे हमें ये जय कैरेक्टर देना है, भले ही 1 मिलियन जो है वो 1 सेकंड में क्रॉस हो जाए, वो 1 घंटा में क्रॉस हो जाए, देंगे ये लोग अपने टाइम पे ही। जय कैरेक्टर की गाइस डिटेल्स आपको मिलनी ही मिलनी है। इसकी जो डिटेल्स है मैंने आपको पहले भी बताया है, जय कैरेक्टर की जो एबिलिटी होगी वो मैगजीन बढ़ाने की होगी अगर आप गन चलाते हो तो, मतलब आप गन चला रहे हो और इसकी मैगजीन जो है वो ख़त्म हो रही है तो उसकी लेवल के हिसाब से आपकी जो मैगजीन होगी वो बढ़ जाएगी अपने आप ही बिना रिलोड किए। ऐसा करके गाइस हमारे जय कैरेक्टर की नई एबिलिटी होने वाली है। अब गाइस आपको बता दूं जय कैरेक्टर के डेट के बारे में, तो जय कैरेक्टर का डेट अभी यार कंफर्म नहीं किया फ्री फायर ने, ये यार जब तक इसकी डिटेल्स वगैरह रिवील नहीं होगी तब तक जय कैरेक्टर की डेट भी कंफर्म नहीं होगी। तो इसकी जो डिटेल्स रिवील होने के साथ साथ फ्री फायर वाले इसकी डेट भी बता देंगे कब हमें हमारा जय कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, और ये सितंबर यार 15 सितंबर के पहले पहले आपको ये गारंटीड देखने को मिल जाएगा। गाइस जो अभी मनी हिस्ट के मेन बंडल हैं, जो हमारे ये नए क्रिमिनल टाइप के बंडल है, ठीक है, ये दोनों बंडल का जो अभी इवेंट है वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये इवेंट गाइज मुझे ऐसा लगता है कि लक रॉयल के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशल रॉयल के अंदर। अब यार अभी पक्का नहीं पता क्योंकि इन दोनों बंडल्स का कोई भी लीक हमें अभी तक नहीं मिला है। हाँ इन दोनों बंडल्स का लीक मिला है, मतलब कि इन दोनों बंडल्स के जो इवेंट है उसका कोई भी लीक नहीं मिला। तो अभी यार ये कहना बहुत मुश्किल है और मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, इनका इवेंट कन्फर्म नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, सारे बंडल्स तो एक जैसे लग रहे हैं, तो हाँ गाइज सारे बंडल एक जैसे हैं पर इनमें काफ़ी फ़र्क है, अगर गेम में आता है तो आपको पता चल जाएगा और आदत हो जाएगी। काफ़ी फ़र्क है इन सभी बंडल्स में और आपको आने वाले मनी हीस्ट के इवेंट में देखने को मिलने वाला। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं काफी बार कि ये एक बंडल दो बंडल नहीं आएंगे गाइस, पूरे 6 से 7 बंडल है या 8 बंडल कह सकते हो आप, जो आने वाले मनी हीस्ट के इवेंट में आपको देखने को मिलने वाला और काफी सिमिलैरिटी भी रखेंगे। गाइस हैकर स्टोर भी आपको यार ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि देखने को मिले इस मंथ यानी सितंबर के महीने में। और हैकर स्टोर में यार आपको हमेशा से लेजेंडरी बंडल मिलते हैं और इस बार भी लेजेंडरी बंडल ही मिलने वाले हैं। इसमें गाइस आपको ये दोनों बंडल मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, मैंने बताया था आपको मैजिक क्यूब में आएगा, पर ये बंडल यार फ्री फायर वाले पता नहीं क्यों रियलिटी में ले रहे हैं, मतलब कि इसको रेयर लिस्ट में डाल दिया है, और ये आने वाले टाइम में आपको नए हैकर स्टोर में देखने को मिल सकता है। और हैकर स्टोर हमारा गाइस मिस्ट्री शॉप से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। मिस्ट्री शॉप की गाइस शायद मैंने आपको डेट नहीं बताई, तो मिस्ट्री शॉप हमारी देखने को मिल जाएगी 22 से लेकर 25 के बीच में, 25 सितंबर से पहले पहले आपको मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगी, और इससे पहले ही आपको हैकर स्टोर भी देखने को मिल जाएगा सितंबर के ही मंथ में, सितंबर के लास्ट में एक्चुअली आपको हैकर स्टोर में जितने भी लेजेंडरी बंडल है पुराने उसमें से कोई भी रैंडम बंडल फ्री फायर वाले उठा के दे देंगे। इसके साथ गाइस डायनो बंडल का भी लीक मिला है, तो डायनो बंडल यार मैंने पहले भी बताया था आपको ये फैन मेड मुझे लग रहा है, लेकिन यार अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि फ्री फायर वाले यार कुछ भी कर सकते हैं और ये बंडल भी ला सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ये बंडल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मुझे गाइस लग रहा है कि इसकी काफ़ी, मतलब ठीक है यार देखने में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है और मनी हीस्ट का इवेंट है तो कुछ भी फ्री फायर वाले ला सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते यार इस इवेंट इस बंडल के बारे में, और इसके इवेंट भी अभी कन्फर्म नहीं है। तो आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, ये बंडल आ सकता है कि नहीं आ सकता। फिलहाल गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर दूसरे चैनल के बारे में नहीं जानते तो दूसरा चैनल भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर गाइज भाई मेरा गेम प्ले डालता है और अच्छे अच्छे गेम प्ले डाल रहा है डेली आपके लिए, तो प्लीज़ जाके देख लेना एक बार। सब्सक्राइब भी कर देना हमारा दूसरा चैनल, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक देखा है महारथियों, और लाइक भी मार देना, लाइक टारगेट हमारा कंप्लीट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को कम से कम एक बार, और कमेंट करके ज़रूर बताना जो जो मैंने आपसे पूछा। आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.